देखो आगे, इसके पहले वाले वीडियो में 17 तक हो चुका है, 18 वाला है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन? कार्बन दिया है C60 27। नेसेसरी टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव स्ट्रेंथ, तो ये दिया है Bn/pt, इट इज 10.0, यानी 10 मिली क्यूरी। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो, 10 × 10⁻³, इसको डीके पर सेकेंड में क्यूरी को कन्वर्ट करना है, 3.7 × 10⁻¹० सो इट कैन बी रिटन एज 3.7 × ये गया, तो इट इज 10⁸ डीके पर सेकेंड। ये गिवन कन्वर्ट कर रहे हैं पहले, लिख लेने से पहले। उसके बाद देखो हाफ लाइफ, हाफ इट इज 5.3 ईयर्स। कन्वर्शन समझाया ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5.3 × 8, सॉरी ईयर्स है, तो एक दिन में 1 साल में 365 डेज, × 24 आवर्स, × 60 मिनट्स, × 60, ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में। कैलकुलेशन बहुत है इसमें, पर स्टेप वाइज करेंगे तो चल जाएगा। इसका आंसर बताया था 1 साल में कितने सेकंड, तो ये डायरेक्ट लिख के चलेगा 31.54 × 10⁻¹। तो इसको कैलकुलेट कर लो पहले लॉग से, आंसर निकालो। ये आंसर है 1.671 × 10⁸ सेकेंड। लॉग से करना, पॉइंट एडजस्ट करना उसको। ये गिवन हो गया कार्बन, सॉरी कार्बन क्या सी कार्बन ही हो गया, को जो भी होगा देखना, सी कार्बन ही है, सी कार्बन ही है। सी बोल सी ओ बोल ये हो गया, ये गिवन Dn/dt कन्वर्ट कर लो, ये हाफ। अपने वो पूछा गया क्वेश्चन में, फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट मतलब मास निकालना है, ऑफ कोबोल्ट 60 27 नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ लिया, ये गिवन में लिख लिया, हाफ लाइफ दिया है, ये लिख लिया। तो सबसे पहले लैम्डा निकालते हैं, देखने एक स्टेप। लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय ये टी हाफ। बहुत लेंथी प्रॉब्लम्स है, पर ठीक है, क्या करेंगे, दिमाग के लिए आ सकते, कैंसर क्वेश्चन वाले पढ़ना नहीं है। कैंसर जो थेरी वाला पोर्शन है, उसके न्यूमेरिकल्स भी कैंसर में ही डालना है, पर सारे ही ले रहे हैं, ध्यान रखना। सो इट इज 0.1 शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ क्या है, टी हाफ की वैल्यू भी है, तो इट इज 6.93 × 10⁻¹ डिवाइडेड इट इज 1.671 × 10⁸। तो ये हो गया 10⁻⁹। और उसको लॉग से सिंप्लीफाई करो, ये है ना 4.147, तो ये निकल गया ना। ये सब गिवन ही है, अभी गिवन पर से निकाल रहे हैं। देखो अब देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले हमने ये गिवन था उसको सॉल्व कर लिया है, अब इसको डायरेक्ट वैल्यू आप ये भी डाल सकते थे, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जो आगे सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए ये गिवन पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये गिवन पहले सिंप्लीफाई कर लो, उससे ये निकाल दिया। अब देखो, सो Dn/dt इज इक्वल्स टू λ/n, तो इससे n निकल जाएगा। फिर मास कैसे निकालते वो देखेंगे, सबसे मेन यही है। फिर मास निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल्स टू n/n₀ या na, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर पता है, n यहां से निकल जाएगा, इसको लिखेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो वो
सॉल्व हो जाएंगे आगे फिर। लेंथ निकालते, थोड़ा लेंथी है क्योंकि कन्वर्शन हर जगह है, लेकिन यहाँ पे भी कन्वर्ट करना था, यहाँ पे भी ईयर्स में था, कन्वर्ट करना पड़ा, वो वैल्यू पहले निकालनी पड़ी, तो है तो लेंथी। नाउ ये 3.7 इंटू 10^8 इज इक्वल टू 4.147 इंटू 10^-9 इंटू 10, ये हो गया इंटू एन, ठीक है। सो एन विल बी पॉइंट शिफ्ट कर रहे 37 इंटू 10^7, ये पॉइंट शिफ्ट कर दिए, डिवाइडेड बाय 4.147 इंटू 10^-9, ये ऊपर जाएगा प्लस इंटू 10^16। न्यूमरेटर ग्रेटर बना ही लिया है और डिनोमिनेटर छोटा ही है, तो उसको सॉल्व करो। ये आंसर आएगा 8.922। इससे मास कैसे निकालेंगे वो देखो, देखिए इसका देखो फिर, गिवन मीटर है, ये गिवन ही है, ये भी गिवन है, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा उसको वी के वही। फिर अपन ने लैम्डा निकाला, एन की वैल्यू निकल चुकी है, एवोगैड्रोस नंबर दिया रहेगा, अभी लिखेंगे फॉर्मूला, तो एवोगैड्रोस नंबर दिया रहेगा, उससे मास निकाल सकेंगे, ये 60 काम आएगा उसमें। देख लेते हैं, गिवन में क्या रहा, गिवन देख लेते हैं, n small n is equals to n upon n a Avogadro's number जो भी दिया रहेगा, Avogadro's number लेना, अभी तो अपन लेंगे उसको। n की जगह रहेगा mass, यानी gram molecular weight, number of moles, तो mass चाहिए gram में, upon ये 60 cobalt, ये 60 लिखा वो लिए, is equals to n की value हम लोगों की निकल चुकी है 8.922 into 10^16 divided by Avogadro's number 6.023 into 10^23. So m is equals to 8.922 into 10^16 into 60 into 60 divided by 6.023 और ये into 10^2, ये है 16 और ये 23, यानी 10^-7। अब इसको लॉग से सॉल्व करो, ये आंसर आएगा 88.88 इंटू 10^-7 ग्राम। मास निकाला था, देखो कैसे निकाले, थोड़ा लेंथी है प्रॉब्लम, गिवन को भी कन्वर्ट करना है, अगर कन्वर्टेड गिवन रहा तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे, पर कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, याद रखो। उन्होंने लिखा है ग्राम में, एक पॉइंट शिफ्ट करके लिखा है उन्होंने, तो अपन भी कर सकते हैं, अपना 88 है तो अपन लिखेंगे 8.888 इंटू 10^-6 ग्राम। देख रहे होगे ये गिवन मिटा के कंटिन्यू किया, यहां तक तो सब जो गिवन वाले पोर्शन था लैम्डा निकाले, फिर ये फार्मूला क्यों क्यों यूज किया, क्योंकि n निकाले, फिर ये मोल नंबर ऑफ मोल्स वाला n अपॉन na, अब ये है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, देख लो नोट डाउन करो उसको, तो ये 18 वाला अपना कंप्लीट हो गया, मिटा रहे इसको। देखो नेक्स्ट लाइन है बेटा, फिर से बोला इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम कैंसल्ड पोर्शन पे ही है, तो वो आप लोगों ने एक बार देख लेना कौन सा पोर्शन कैंसल्ड है, अगर वो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे होंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो वो कैंसल्ड पोर्शन में थ्योरी कैंसल्ड है, तो उस पोर्शन पे न्यूमेरिकल भी कैंसल्ड ही रहेगा, यानी अगर थ्योरी नहीं पढ़ना है तो फिर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे उसके, तो ये ध्यान रखना।
कैंसल क्वेश्चन देख के करो। नाउ नेक्स्ट 19 डिसइंटीग्रेशन रेट यानी एक्टिविटी लिख लेते एक बार। A1 इट इज 10^10 पर आवर डीके पर आवर है, आवर्स में रहने दो, देखते बाद में कन्वर्ट करेंगे, टाइम भी आवर्स में दिया है। T1 इज इक्वल्स टू 20 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट, इट रिड्यूस टू थोड़े देर के बाद एक्टिविटी है रिड्यूस हो गई क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम हो गए होंगे, तो एक्टिविटी जो है रेडिएशन जो है वो रिड्यूस हो गए। 6.3 इंटू 10^9 डीके पर आवर एंड टाइम T2 इज 10 आवर्स कैलकुलेट द हाफ लाइफ इनिशियल रेडियोएक्टिव वो बात करेंगे, पहले हाफ लाइफ कैलकुलेट कर। अब देखो ए का बेसिक फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू ए जीरो ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा इनटू टी, इसीलिए कन्वर्ट नहीं किया, पर आर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन ए टू अपॉन ए वन, ए जीरो इनिशियल जो भी होगी वो कैंसिल बाद में देखेंगे, ए वन ए टू क्लियर, ई रेस टू पावर पी वन सॉरी पहले टू है तो ये माइनस 30 इंटू लैम्डा टी की वैल्यू आ जाएगी और ई नीचे आएगा ये माइनस 20 इंटू इसको नीचे कर दो एक्टिविटी की वैल्यू भी डाल दूँगा वैल्यू डाल देते पहले ए टू 6.3 इंटू 10^9 डिवाइडेड बाई 10^10 इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर अपॉन में डायरेक्ट लिख रहे हैं ये पावर के एडिशन ई रेस टू पावर ये माइनस 20 लैम्डा और ये नीचे जाएगा तो प्लस 30 लैम्डा ई रेस टू पावर 10 इंटू डायरेक्ट लिख लो। रिवर्स कर दो बाद में उसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा 1.587। अब देखना आगे अब ई को उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 10 लैम्डा इज इक्वल टू ये हो गया इधर लॉग ऑफ टू द बेस ई 1.587 लॉग जैसे देखते हैं वैसे ही लॉग देखना है पर हम जो टेबल में देखते हैं वो रहना टू द बेस 10 तो ये आता है ई उधर ले जाते हैं तो यहाँ टू द बेस 10 करेंगे तो ये स्टेप कम कर रहे हैं अपन 2.303 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो याद रखो इधर ले जाएंगे तो लॉग टू द बेस ई था पर हम जो लॉग बुक में देखते हैं वो रहता है लॉग टू द बेस 10 यानी बेस 10 होना चाहिए तो 10 करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर तो ये डायरेक्ट इतना कर लेंगे तो चलेगा ठीक है देखते हैं 10 लैम्डा इट इज इक्वल्स टू अब इसका लॉग बुक कैरेक्टरिस्टिक्स 2.303 इंटू कैरेक्टरिस्टिक्स 0 15 का 8 में 7 का मीन डिफरेंस तो लॉग लिखना है सीधा सीधा वहां पे सॉल्व करना है लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.303 इनटू एक पॉइंट शिफ्ट करो 2.007 इनटू ये 10 अपॉन में ऊपर जाके माइनस 1.8 एंड इज टू माइनस अब इसको लॉग से सॉल्व करो ये आंसर आएगा 4.622 टू 10^-2 सो लैम्डा इज इक्वल्स टू अच्छा इसी रहने दे दो पॉइंट में लिखने को सेकेंड इनवर्स तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया एक्टिविटी दिए थे एक्टिविटी का
का फॉर्मूला लेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकल गई, अब टी हाफ निकालेंगे। सो टाइम ग्रेड हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये सॉल्व पॉइंट चेक कर लेते हैं, 0.693 36, ये साथ में 10^-1 डिवाइडेड बाय ये 4.622 × 10^-2। इसका लॉग देखो क्या था, ठीक है, इसका आएगा 1.499, ये 10^1 हो जाएगा, तो ये पॉइंट शिफ्ट कर देते, तो ये आएगा 14.99, आस में ही है तो आस में नीचे, टाइम आस में था ना तो ये आस में नीचे, तो उन्होंने 15 लिया है ना, 14.99 है, तो जो है वो लिखो, फर्स्ट वाला हो गया हाफ लाइफ निकल गया। अब आगे का देखते हैं, पहले ये लैम्डा की वैल्यू निकालिए, ये पूछा नहीं था पर वो निकालना ही पड़ेगा, टी हाफ का फॉर्मूला ही ये हाफ लाइफ का ही है। स्टेप्स थोड़ा सा देखो, एक्टिविटी दिए थे, एक्टिविटी को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालो, फिर टी हाफ का आंसर निकालना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये लिख लो बेटा, इसको फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, मैं कर ली नोट, आगे का लिख रहे। अब बी वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो ये रख रहा है, ये हंसी लिख रहा है, ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, तो उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं बी वाला ऑप्शन, देखते हैं ये है बी, ठीक है, इसको कर देते हैं ए वन और ये बी वन, ठीक है, ए वन 10^10, ए जीरो ये निकालने के लिए बोला है, देखो वहां पे क्या मेंशन किया है, सेकेंड वाला देखो, पहले निकालना है कैलकुलेट द हाफ लाइफ एंड द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इन द सैंपल, इनिशियल रेडियो एक्टिविटी निकालना है, तो उससे नंबर निकाल लेंगे, देखते हैं, ये निकालते हैं नंबर बाद में निकालेंगे, वही बोल रहा हूँ थोड़ा सा लेंथी लगेगा, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए जीरो का फॉर्मूला है एन जीरो इंटू लैम, तो यही डाल दो लगे तो नंबर निकल जाएगा, ए जीरो की जगह एन जीरो इंटू लैम्डा, नहीं तो हम क्या करते थे, पहले ए जीरो निकाल लो फिर ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, तो कॉम्प्लिकेशन कम हो गया थोड़ा, क्योंकि ये पावर में भी है ना, उसको भी सॉल्व करना है, तो इसीलिए अगर आप चाहे तो आप यहीं पे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू डाल दो इनिशियल एन जीरो मिल जाएगा, नहीं तो हम अलग से करते देख लेता हूँ, आपकी इच्छा है, ये चाहे तो आप ये इक्वेशन में अभी ये वैल्यू डाल सकते हैं, मैं नहीं करना क्योंकि कैलकुलेशन इसके भी बता रहे हैं कैसे करना है, वो भी बता दूंगा, ए जीरो e रेस टू पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू 4.622 × 10^-2 × 20, ये 10^10 इज इक्वल्स टू ए जीरो e रेस टू पावर अपॉन में कर दिया इसको और मल्टीप्लाई करके और ये पॉइंट एडजस्ट करके आंसर देखो क्या, ये लॉग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये आएगा 0.9244 मल्टीप्लाई कर लो, टू से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं, तब तक देख लो लिख लो इतना, फिर वो ई को कैसे सॉल्व करना है वो देख, देखो इसका आंसर डायरेक्ट निकालेंगे, यहां लिखना है अपन डायरेक्ट लिखेंगे ए जीरो अपॉन में, ये इसका आंसर लिख लेंगे, ई रेस टू पावर में ये नंबर है, कैसे सॉल्व करना देखो, तो ये रफ में करना है, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 0.9244 अलग से निकाल, ठीक है, इसको इधर करो, तो ये हो गया लॉग टू द बेस ई और एक्स, ई की जगह टू द बेस 10 करेंगे तो ये 2.303 इज इक्वल टू ये बचेगा 0.9244, सो लॉग ऑफ
एक्स द बेस 10 आ गया हूँ। अब इसको इधर डिवाइड करो और वो आंसर देखो कितना, वो आंसर आएगा 0.4011। देखो सॉल्व 1/4, ये डिवाइडेड बाई ये। अब ये एक्स का आंसर चाहिए अपने को, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ये था ना, एक्स का आंसर चाहिए, तो लॉग उधर करो, एंटी लॉग लेंगे 0.4014 का। एंटी लॉग लेते समय जीरो छोड़ दे रहा हूँ, तो 40 का 1 में 4 का मीन डिफरेंस देखो कितना है, 2520। 40 का 1 में 4 का मीन डिफरेंस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही लगाओ, पॉइंट ऐसे लगा, कैरेक्टरिस्टिक्स 0 यानी यहां पे, तो x का आंसर निकल गया, यानी e रेस टू पावर x का आंसर निकल गया। ऐसे सॉल्व करते हैं, यहां डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 2.520। तो अपने को दिखाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने गलती बताया है, आप लोग देख लो। देखो ये इधर है, इसको इधर लाओ, या पहले ये लिख लो क्योंकि बात है उधर से। इज इक्वल टू 0.9244 इज इक्वल टू एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ले लिए, तो ये लॉग टू द बेस 10 इनटू ये कर दिया, ई होना चाहिए था पर ये कर दिया, तो लॉग टू द बेस 10 और ये, फिर इसको इधर डिवाइड कर दिया, ये आंसर मिला है, लॉग एक्स उधर कर दिया, ये एंटी लॉग, एंटी लॉग देखते समय ये छोड़ देना, इसका देखना है ये आंसर। फिर पॉइंट पहले डिग्री के बाद क्यों लगाया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। ये हो गया, अब फाइनल देखते हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपने को रफ में निकालना पड़ा था, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत थोड़ी लेंदी है, कैलकुलेशन भी ज्यादा है, पर मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल कैंसल्ड पोर्शन में ही है, तो आप लोगों ने देख लेना एक बार। तो ए 0 का आंसर अब मिल गया, ए इधर मल्टीप्लाई 2.52 इंटू 10 प्लस 2 10। अब इसका यहाँ पे अच्छा नीचे डाल एन 0 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 2.52 इंटू 10 रेस टू 10। एन 0 इट इज इक्वल टू 2.52 इंटू 10 रेस टू 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा लैम्डा का आंसर क्या है, 4.62 इंटू 10 रेस टू -2 को मिटा दिया अपने, यही निकाला था, तो देख लेना। ये बी वाला सॉल्व कर रहे हैं अपना, इनिशियल पहले एक्टिविटी ए 0 निकाला, उससे इनिशियल नंबर कितना है वो निकाला, तो एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, 25.2 डिवाइडेड बाय 4.62 इंटू ये 9 और ये 10 रेस टू 11। अब इसको लॉग से सॉल्व करो, 5.452 इंटू 10 रेस टू 11, इतने नंबर है इनिशियल। देख लो क्वेश्चन छोटा सा, ये फॉर्मूले और उसमें जो वैल्यूज निकालने हैं कैलकुलेशंस है वो थोड़े लेंथी है, देख लो एक बार। ये हो गया अपना 19th वाला। अब देखो आगे 20 वाला ले रहे हैं, तो कोबाल्ट 57 डीके बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर टू Fe 57 उसमें कन्वर्ट हो रहा वो विथ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ दी है 20 बी हाफ इट इज इक्वल टू 72, ये डेज में ही है, इयर्स में नहीं है, बी हाफ तो 272 इंटू डेज में 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60, ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड, तो इसका डायरेक्ट आंसर देखो लॉग से सॉल्व करना, या आप चाहे तो इसको 86400 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हटाना एक दिन में उतने सेकेंड। देखो आंसर निकालो लॉग से, 23.5 इंटू 10 रेस टू पावर 6 सेकेंड, इतना आएंगे लॉग से करना,
मतलब शिफ्ट कर लेना, देखो बता दे कैसे करना। 2.72 इंटू 86400 एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ दो डिजिट के बाद, यहाँ चार डिजिट के बाद, साथ में आ गया 10^6। अब इसको लॉग से सॉल्व कर लो, तो ये आंसर है। ये 86400 सेकेंड्स एक दिन में, और ये पॉइंट शिफ्ट करके 10^6 आता है, लॉग से सॉल्व करो। ये जो गिवन है इसको कोई मार्क्स नहीं है। नेक्स्ट गिवन देखो, आगे देखो, अब दिया है FP न्यूक्लियस प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट एक्साइटेड स्टेट एंड इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली इमिट गामा रेज। फाइंड द मीन लाइफ, पहले मीन लाइफ निकालना है, फिर निकालना है इफ द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स। एक्टिविटी दिया है 2, वो भी लिख दे 2 माइक्रो क्यूब। सो इट इज 2 × 10^-6 माइक्रो, मतलब और ये क्यूबिक को कन्वर्ट करो 3.7 × 10^10, ये हो गया डिके पर सेकेंड में। ये 7 × 14, 7.4 × 10^4, ये हो गया एक और गिवन। उसके बाद एक और क्या बोला कि पहले निकालना है मीन लाइफ, तो पहले मीन लाइफ निकालते हैं, यहाँ निकालना है तीन हाफ, यानी हाफ लाइफ इट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड 1/λ इज एवरेज टाइम, तो सॉरी मीन लाइफ, वो फॉर्मूला लिखा है मैंने, मीन लाइफ मतलब 1/λ। तो मीन लाइफ डॉट से डिनोट करते हैं, तो वही लेंगे। सो टी हाफ निकाला है 23.5 × 10^6 इज इक्वल टू, इसको लिखते 6.93 × 10^-1, और 1/λ की जगह फर्स्ट वही निकाल लेंगे अपना मीन लाइफ। तो ये मीन लाइफ का सिंबल है, सो मीन लाइफ इज इक्वल टू 23.5 × 10^6 डिवाइडेड बाय 6.93 × 10^-1, तो ये हो जाएगा 10^7। अब लॉग से उसका आंसर निकाल, इसका आंसर आएगा 3.391, ये हो गया पहला आंसर। इसको मिटाना पड़ेगा, तो पहले ये देखिए एक बार, ये जो ए निकाला था वो निकाल देखो, उसको मिटा रहे हैं। हमारे काम से यहाँ लिख के रखते हैं, माइनस बाद में लिखेंगे। एवरेज टाइम इज इक्वल टू 3.391 × 10^7, यानी ये 1/λ का आंसर है। सेकेंड है क्या पूछा है, चलो पी बना देते हैं। क्या पूछा, इफ द एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी दिए है इनिशियल, तो ये एक्टिविटी लिख लिया अपन इजी। नाउ हाउ मेनी कोबोल्ट न्यूक्लियर डज सोर्स कंटेंट, कितने हैं वो, ये अभी फॉर्मूला लिया था A0 इज इक्वल टू N0 × λ, एक्टिविटी का फॉर्मूला N0 निकालना है। सो N0 इज इक्वल टू A0 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A0 और मीन लाइफ, या अपन अपन लैम्डा का भी यही है, तो वो ही डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A0 की वैल्यू आगे ये 7.4 × 10^2
एवरेज टाइम या 1/λ जो भी वैल्यू रहेगी, मीन लाइफ ऑफ मीन लाइफ एवरेज मीन लाइफ 3.391 3.391 × 10⁻⁷. बस लॉग से सॉल्व करो, ए वाले में मीन लाइफ भी निकालना है और डीके कांस्टेंट भी निकालने के लिए बोला है, वो तो अपन ने छोड़ दी। ठीक है, डीके कांस्टेंट क्या है ये निकाल देता। देखो ये तो डी वाला हो गया, ए वाले का ये आंसर निकाला था अपने पहले, डी है। सो लैम्डा डीके कांस्टेंट 1/3.391 × 10⁻⁷. इसका एंटी रेसिप्रोकल देखो, रेसिप्रोकल देखो कितना क्रॉस, रेसिप्रोकल देखा तो इट विल बी 0.2949 × 10⁻⁷-7। एक पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, 2 × 10⁻⁷ - 7 का -8। तो ये आंसर निकला। उसके बाद खाली 1/λ तो ये इधर और ये अपॉन, बस इतना करना। तो छोड़ गया तो अभी देखो, तो ए यहाँ पे ए के बाद ये एक स्टेप करना है, उसके बाद ये बी हो गया। देख तो यहाँ हम लोग लैम्डा अपॉन में तो लैम्डा की वैल्यू डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही आंसर आएगा। तो ये ए वाला यहाँ पे खत्म किया था अपने, 1/λ की वैल्यू ये है तो लैम्डा की वैल्यू अपॉन नहीं है, रेसिप्रोकल दे दो बस। ठीक है, तो ये देख लेना, ये हम ले रहे हैं सी वाला। ये मिटा रहे हैं, देख लो या 365 × 24 × 60 × 60। ये डेज, ये आर्स में कन्वर्ट, ये मिनट में कन्वर्ट, ये सेकंड में कन्वर्ट, ये बताया है क्या क्या करता है। सुबह सुबह चालू कर दे एक्टिविटी निकाल रहा है। So, A is equals to A0 e raised to power minus lambda into t. Initial activity we have 7.4 × 10⁴. E raised to power minus lambda divided by 2.949 × 10⁻⁸ × आगे देखो, ये देखो ए जीरो की वैल्यू डाल दिए यहाँ से, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू ये निकली थी फर्स्ट वाले में, और टाइम ये निकला ही है 31.54 × 10⁶। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। सो ए will be equal to 7.4 × 10⁴ e raised to power minus, इसको अपॉन में लिख देते प्लस कर देंगे e raised to power। देखो आंसर क्या निकलता है उसका, लॉग से ही सॉल्व कर लो फाइनल आंसर। देखो इट विल 0.9301 पॉइंट एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, तो इट इज 7.4
10:4। अब इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, पहले जैसे बताया था वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। देखो तो ये गिवन है, कर लास्ट स्टेप बची है, माइक्रो में लिए है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे माइन्यूट सा चेंज है। देखो जब एक्टिविटी इनिशियल लिखा था हम लोगों ने तो 2 माइक्रो क्यूबी लिखा था गिवन में, फिर उसको कन्वर्ट किया था 2 × 10⁻⁶ और सी आई को लिखा था 3.7 × 10⁻¹० जो भी आंसर आया था। पर यहाँ उन्होंने उसमें पूछा है तो अपन ये कन्वर्शन हटा के डायरेक्ट 2 ही लिखेंगे माइक्रो क्यूबी में, तो माइक्रो क्यूबी में आंसर आ गया। नेक्स्ट एक्टिविटी इतना चेंज कर लेना एक बार क्योंकि आप यूनिट थी ये भी चलेगा, ये भी रॉन्ग नहीं है, आंसर वही है, पर उन्होंने माइक्रो क्यूबी में दिया है तो 2 वैसे के वैसे रखो। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग, बस इसका आंसर अब डायरेक्ट निकल गया माइक्रो क्यूबी में। तो ये माइक्रो क्यूबी में रखा है, कन्वर्ट करके जो निकाला था वो मत, ठीक है। अब यहाँ पे चल जाए तो 2 में माइक्रो क्यूबी में तो आंसर डायरेक्ट माइक्रो क्यूबी में आएगा, नहीं तो फिर वो डिवीजन करना पड़ेगा। तो अपन ने A0 की वैल्यू जो कन्वर्ट करके डाला था वो हटा दिया, सिर्फ 2 लिखना है C वाले में और यहाँ पे 2 ये है। अब ब्लॉक से सॉल्व कर 0.789 इसका आंसर बताइए दिया कैसे निकाला है। सिर्फ कुछ नहीं किया है, अपने जो कन्वर्ट करके वैल्यू निकाली थी वो डालने की जगह अपन ने 2 लिखा है, बस इतना चेंज किया है अपने। तो कन्वर्ट करके मत डालो, माइक्रो क्यूबी में लिखा है तो माइक्रो क्यूबी में ही आंसर आ जाएगा। तो बिना कन्वर्ट करें यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे चल जाएंगे आंसर उसी में आना। तो ये देख लो यहाँ पे चेंज किया था, यहाँ पे तो ये डिविजन हुई, इसका आंसर जो निकाला है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखो ये हो गया अपना 20 बार। सिर्फ ये देख लेना कि कन्वर्ट माइक्रो क्यूबी में पूछा है उन्होंने, तो इसीलिए हमने ये जो कन्वर्ट करके डाला था डीके पर सेकंड में उसको हटा दिया, डायरेक्ट 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो आंसर माइक्रो क्यूबी में ही निकलेगा।
ठीक है, यूनिट देखा नहीं था मैंने पहले, इवन फाइनल आंसर कौन से यूनिट में, वो भी चलता था डीके पर सेकंड में, उसको भी 3.7 इनटू 10 रेस टू पावर 10 से डिवाइड करते थे, तो यही आंसर मिलता है। और अभी फिलहाल यही याद रखो, ठीक है, मीटर रेस्ट।